Dear students, let's start the ninth chapter of your English textbook, The Magic Slipper. A long time ago, in a small village in Japan, there lived a boy named Kentaro and his mother. बहुत लंबे समय पहले की बात है, जापान के एक छोटे से गांव में एक केंटारो नाम का लड़का अपनी माँ के साथ रहता था. He was a good boy and he did all he could to help her. One day his mother fell ill. The small boy could not go out to work. He spent all day looking after her. But the next day his mother was no better. वह अपनी माँ की बहुत सेवा करता था. एक दिन उसकी माँ बहुत बीमार हो गई. वह काम पर नहीं गया और अपनी माँ के साथ ही रहा. लेकिन अगले दिन भी उसकी मम्मा की तबीयत ठीक नहीं हुई थी. केंटारो हैड नो मनी टू बाय मेडिसिन फॉर और फूड फॉर हर. सो ही वेंट टू हिज अंकल एंड सेड, अंकल, माई मदर इज़ वेरी सिक एंड आई हैव नो मनी, प्लीज लेंड मी सम. अब उसके पास पैसे नहीं थे अपनी माँ की दवाइयों के लिए और खाना खाने के लिए. वह अपने अंकल के पास गया और उनसे कुछ पैसे मांगे. What will you do with it? asked his uncle. उसके अंकल ने कहा, पैसों से तुम क्या करोगे? I will buy medicines and some food for my mother, replied the boy hopefully. बहुत ही उम्मीदों से उस बॉय ने अपने अंकल को जवाब दिया कि मैं अपनी माँ के लिए दवाइयाँ और कुछ खाने के लिए खरीदूँगा. The uncle scowled. You always came asking for money. He tossed few coins to Kentaro. Now don't ask me for money again. वह कहता है, तुम हमेशा मुझसे पैसे मांगने के लिए आते हो. और कुछ पैसे उसकी तरफ डालते हुए बोला कि लो ये पैसे और वापस मेरे पास अब पैसा लेने के लिए, मनी लेने के लिए मत आना. Returning home, he cooked a dish of rice gruel for his mother. When she finished eating, she patted him lovingly. I feel so much better already. तो घर जाके उसने अपनी माँ के लिए खाना बनाया, राइस नूडल्स बनाए, खिचड़ी बनाई और उनको खिलाई. उसकी माँ बहुत खुश हुई और प्यार से अपने बेटे को थपथपाने लगी. She whispered, I am sure I will be all right soon. Grabbing, holding, और वह कहती हैं कि मैं लगता है अब जल्दी ही ठीक हो जाऊंगी. समथिंग टाइटली वंडर्ड थिंकिंग द बॉय रैन बैक टू हिज अंकल. अंकल, आई एम रियली सॉरी टू ट्रबल यू अगेन. डू लेंड मी लिटिल मोर मनी. आई प्रोमिस आई विल पे इट ऑल बैक. अब कुछ सोचते हुए वह लड़का फिर से अपने अंकल के पास गया और कुछ पैसे मांगे और कहा, मैं जल्द ही तुम्हें इस पैसे को वापस कर दूंगा. हैव यू फॉरगॉटन व्हाट आई टोल्ड यू द लास्ट टाइम. और उसके अंकल ने उसको डांटते हुए कहा, क्या तुम भूल गए हो लास्ट टाइम मैंने तुम्हें क्या कहा था. नो मोर मनी. ही स्नार्ल्ड एट केंटारो, गेट आउट ऑफ माई हाउस एट वंस. एंड ग्रैबिंग बॉयज हैंड ही टर्न्ड हिम आउट ऑफ द हाउस. उसने लड़के का हाथ खींचते हुए घर से बाहर निकाल दिया और कहा, तुम मेरे घर से अभी बाहर चले जाओ. पुअर केंटारो स्टार्टेड टू क्राई. अब वह लड़का रोते हुए बाहर निकल गया. ही सैट डाउन बाय द साइड ऑफ द रोड वंडरिंग व्हाट टू डू. सड़क के किनारे पर यह सोचते हुए कि क्या किया जाए, वह वहीं पर बैठ गया. बट बींग टायर्ड एंड हंग्री ही सून फेल असलीप. थका हुआ था और भूखा था तो वह जल्दी सो गया. उसको नींद आ गई. As if in a dream, he felt a hand on his shoulder and heard a voice say, What are you doing here, little boy? अब उसने जैसे ही उसको नींद आई, उसको महसूस हुआ कि कोई उसके शोल्डर पर हाथ रख रहा है और एक पूछ रहा है कि तुम्हें क्या हुआ. Before him stood an old man with a flowing white beard. He was holding a staff in one hand. अब उसने देखा कि उसके सामने एक बूढ़ा आदमी खड़ा है जिसकी बहुत लंबी सुंदर सफ़ेद दाढ़ी है और उसके हाथ में एक छड़ी है, एक डंडा है. My mother is very sick and I have no money to buy rice or
medicines. For her, I am so unhappy, for she will surely die, Kentaro answered tearfully. अब केंटारो ने रोते हुए उसको क्या आंसर दिया कि मेरी माँ बहुत बीमार है और मेरे पास उसके खाने के लिए और उसकी दवाइयों के लिए पैसे नहीं हैं। मैं बहुत दुखी हूँ क्योंकि अगर ऐसा ही रहा तो वह जल्द ही मर जाएगी। द ओल्ड मैन स्माइल्ड एट हिम काइंडली। अब उस बूढ़े आदमी ने उसकी तरफ बड़ी दया के साथ हंसते हुए कहा, I understand, don't worry, I will help you. मैं समझ सकता हूँ, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। Take this and he handed the boy a wooden slipper. उसने एक wooden slipper देते हुए उसको बोला, यह रख लो, put it on and jump. इसको पहनो और jump करो. When you jump, a gold coin will fall out of slipper. जब तुम jump करोगे तो उसमें से एक gold coin बाहर निकलेगा। टेक इट एंड बाय वॉट एवर यू नीड। इसको ले लो, इसको इसकी मदद से तुम जो चाहो ले सकते हो। बट रिमेंबर नेवर टेक आउट मोर देन वन गोल्ड कॉइन एट अ टाइम। लेकिन याद रखना, एक समय पर एक ही गोल्ड कॉइन लेना, इससे ज़्यादा नहीं। व्हाई ग्रैंडफादर आस्क्ड बॉय पजल। अब उस बॉय ने एकदम हैरान होते हुए कहा कि ऐसा क्यों है, मैं ज़्यादा क्यों नहीं ले सकता, ज़्यादा जंप करके और पैसे क्यों नहीं निकाल सकता इसमें से गोल्ड कॉइन्स। बिकॉज एवरी टाइम यू जंप योर बॉडी विल श्रिंक अ लिटिल। फिर उस ओल्ड मैन ने उसको जवाब दिया कि जब भी तुम जंप करोगे तुम्हारी बॉडी जो है श्रिंक हो जाएगी, तुम छोटे हो जाओगे। एक्सप्लेन द ओल्ड मैन, आफ्टर अ रेस्ट यू विल बी योर सेल्फ अगेन। फिर ओल्ड मैन ने बोला, लेकिन कुछ समय बाद तुम वापस अपनी ओरिजिनल साइज में आ जाओगे। बट इफ़ यू टेक आउट टू मैनी गोल्ड कॉइन्स एट वंस, अगर तुम एक साथ बहुत सारे गोल्ड कॉइन्स लोगे, यू विल बिकम एज स्मॉल एज अ मॉस्किटो। तुम लगातार श्रिंक होते जाओगे और एक मॉस्किटो जितने हो जाओगे, बहुत छोटे हो जाओगे। सो Use the magic slipper only when you are really in need and it's not good to be greedy. इसीलिए जब भी तुम्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो तभी इस स्लीपर से गोल्ड कॉइन बाहर निकालवाना। एंड याद रखना कि लालच नहीं करनी चाहिए। केंटारो वॉज डिलाइटेड, स्लीपर इन हैंड ही बोर्ड लो बिफोर द ओल्ड मैन एंड सेड। अब स्लीपर को हाथ में लेते हुए उसने अपना सर उस ओल्ड मैन के आगे झुकाया। ग्रैंडफादर थैंक यू, और उनको थैंक्स कहा। यू हैव बीन वेरी काइंड, विल यू टेल मी हु आर यू, क्या आप बताओगे आप कौन हो। देयर वॉज नो रिप्लाई एंड व्हेन ही लुक्ड अप द ओल्ड मैन हैड डिसअपीयर्ड। तब उसने बात करते हुए अपनी गर्दन ऊपर की तो क्या देखा कि ओल्ड मैन वहाँ से गायब हो चुके थे, डिसअपियर हो गए थे। द बॉय वोक अप एंड स्टार्ट विद अ स्टार्ट, व्हाट अ स्ट्रेंज ड्रीम। जब उस लड़के की नींद खुली तो उसने सोचा कि कितना अजीब सपना था। ही सेड टू हिमसेल्फ, बट द वुडन स्लीपर इज हियर। लेकिन सच में एक वुडन स्लीपर उसके पास पड़ा हुआ था। He picked it up and set off for his home. उसने वह स्लीपर उठाया और अपने घर की तरफ चल पड़ा। When he reached home, he decided to find out whether or not the sleeper was really a magic one. घर जाके अब उसको लगा कि चलो चेक किया जाए कि यह स्लीपर सच में मैजिक स्लीपर है या नहीं है। So he stood in the courtyard of his house, put on the wooden slipper and jumped. वह अपने घर के courtyard में veranda में खड़ा हुआ at once, और उसने slipper पहनकर jumping करना start किया। At once a gold coin fell out, और तभी एक gold coin सोने का सिक्का उसमें से बाहर निकला। Kentaro was very happy, वह बहुत खुश हो गया। And he picked up the coin, ran to the market and bought rice and medicines for his mother.
उसने जल्द से वह सिक्का उठाया, मार्केट गया और अपनी माँ के लिए दवाइयाँ और खाने के लिए लेकर आया, चावल लेकर आया ताकि वह अपनी माँ को खाना खिला सके। कैंटारो एंड हिज मदर नाउ हैड नो वरीज, अब उनकी सारी परेशानियाँ दूर हो चुकी थी। व्हेनेवर दे नीडेड मनी द बॉय वुड पुट ऑन द मैजिक स्लीपर एंड कैट अ गोल्ड कॉइन, जब भी उनको मनी की नीड होती थी बॉय स्लीपर पहनकर जंप करता और उसमें से गोल्ड कॉइन लेता और अपनी ज़रूरतों को पूरी करता। बट ही वॉज ऑलवेज केयरफुल नॉट टू टेक आउट मोर देन वन कॉइन एट अ टाइम जस्ट एज द ओल्ड मैन हैड वॉर्न्ड हिम, लेकिन वह इस चीज़ का ध्यान रखता था कि वह एक समय में एक ही कॉइन उस स्लीपर से लेता था क्योंकि उसे उस ओल्ड मैन की बातें याद थी, उसकी वार्निंग्स याद थी। सून आफ्टर हिज अंकल केम टू हियर अबाउट द वंडरफुल मैजिक स्लीपर हाउ ही लॉन्ग टू हैव इट, अब कुछ समय बाद उसके अंकल को भी पता पड़ गया कि उसके पास एक ऐसा मैजिक स्लीपर है और कैसे उसको मिला। सो वन डे ही वेंट अलॉन्ग टू विजिट द बॉय एंड हिज मदर, एक दिन में उसकी माँ से और उससे मिलने के लिए उनके घर पहुँच गए। दे वेलकम्ड हिम विद अ डिलीशियस मील एंड मैनी गिफ्ट्स, उन्होंने उसका वार्मली वेलकम किया अंकल का और उसको बहुत सारे गिफ्ट्स भी दिए। आफ्टर अ वाइल द अंकल सैड, कुछ समय बाद उसके अंकल ने बोला आई हियर यू हैव अ मैजिक वुडन स्लीपर दैट गिव्स यू गोल्ड कॉइन्स, इज इट ट्रू, मैंने सुना है कि तुम्हारे पास एक मैजिक स्लीपर है जो तुम्हें गोल्ड कॉइन देता है, क्या ये सच में सच है? ओ यस क्वाइट ट्रू अंकल रिप्लाइड केंटारो, केंटारो ने उस अपने अंकल को जवाब दिया हाँ अंकल सच में मेरे पास ऐसा स्लीपर है। वेट आई शो यू एंड ही रैन इनसाइड टू फैच इट, वह हाँ बोलते हुए कमरे में भागा और वह स्लीपर लाने के लिए। When he brought it out, the uncle eyed greedily. जब वह लेकर आया तो उसकी अंकल की आंखों में लालच आ गया। Will you sell it to me? He asked. I will pay you anything you want it for it. उन्होंने बोला कि क्या तुम मुझे बेच दोगे? मैं तुम्हें जो मांगोगे वो दूंगा। Now let's forget all द मनी यू ओ मी, जो भी तुम्हें पहले का पैसा देना है वो भी भूल जाओ, मैं तुमसे नहीं लूँगा। वट यू से केंटारो, क्या कहते हो केंटारो? केंटारो वॉज वेरी अपसेट, वह बहुत अपसेट हो गया। दैट वुडन स्लीपर वॉज गिवन टू मी बाय एन ओल्ड मैन, आई कैनॉट सेल इट टू यू, ही प्रोटेस्टेड, उन्होंने मना करते हुए उसको अंकल को बोला कि यह मुझे गिफ्ट दिया था उन्होंने, मैं तुम्हें यह नहीं दे सकता। If you cannot sell it, at least lend me for a day, said his uncle. अगर तुम मुझे बेच नहीं सकते हो क्या तुम एक दिन के लिए मुझे उधार दे दो? The boy shook his head. Boy ने मना कर दिया, अपना गर्दन हिलाया, protested again फिर से, and he could not give away the gift. But the uncle suddenly snatched it out of his hand and saying, I'll return it tomorrow, hurried out of the house. लेकिन उसके अंकल ने क्या किया, उसके हाथ से स्लीपर को छीन लिया और जाते जाते कह के गया कि मैं तुम्हें यह कल दे दूंगा और उनके घर से बाहर चला गया। When he got home, he shut the door quickly. जब वह घर पहुंचे उसके अंकल, उन्होंने घर का दरवाजा जल्दी से बंद किया। Went into the inner garden and spread a large furoshiki scarf on the grass. अपने अंदर घर के गार्डन में गया और एक स्कार्फ जमीन पर फैला दिया अपने गार्डन में। देन ही पुट ऑन द मैजिक स्लीपर एंड जंप्ड, और उस जादुई स्लीपर को पहनकर वो जंप करने लगा। अ शाइनिंग गोल्ड कॉइन फेल आउट ही गैप एस्टोनिश्ड, वह आश्चर्यचकित हो गया, हैरान हो गया कि सच में इसमें से गोल्ड कॉइन बाहर निकल रहे हैं। Then he got up and jumped again. Another coin fell on the scarf. Now he was beside himself with joy. He jumped again and again. अब उसके अंकल को पता पड़ गया कि जंपिंग करने से इसमें से कॉइन निकलेगा। वह बार बार जंप करते जा रहे थे और उन्होंने खूब सारा सोना इकट्ठा कर लिया।
He went on jumping and falling, falling and jumping until he was ready to drop. Beside him, a heap of gold coins shone in the sunlight. सूरज की रोशनी में सोने का वो ढेर जो था बहुत चमक रहा था. The uncle crowed and capered with delight as he gazed at the golden pile. Ho ho ho! I will be the richest man in Japan. He chortled to himself. Then at last, mopping his face, he sat down. वह बहुत खुश हो गया. वह सोचने लगा, वह चिल्लाने लगा कि मैं जापान का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा. अब थोड़ी देर बाद वह थक गया और थोड़ी देर के लिए बैठ गया. I will just rest for a while, then I'll jump, he thought. वह सोचने लगा, मैं थोड़ी देर आराम करके फिर से जंप करना स्टार्ट कर दूंगा. Suddenly he noticed a gold coin lying near his foot. It looked like a huge tatami mat. He rubbed his eyes and looked again. The mountain of gold rose tall and steep, even higher than Fujiyama. Now he was frightened. He looked all around. अब थोड़ी देर बाद जब उसने देखा कि एक गोल्ड कॉइन जो उसके पैर के पास पड़ा था, एक बड़ी चटाई के जैसा लग रहा था, जैसा लग रहा था बहुत बड़ा बेड है. और उसका ध्यान जब उस गोल्ड कॉइन के हीप पर गया तो वो उसको माउंटेन की तरह लग रहा था. वो फुजीयामा से भी हायर माउंटेन लग रहा था. फुजीयामा क्या है, एक हायर माउंटेन ऑफ द जापान. अब वह डरने लग गया. वह डर रहा था कि अब क्या होगा. Not only the mountain of coins but trees seemed to touch the sky. He could not see the end of the garden and houses looked gigantic. अब उसको बहुत डरने लगने लग गया. उसको हर चीज़ बहुत बड़ी दिख रही थी. वह हैरान हो रहा था कि ऐसा क्या हो रहा है. Good heavens, what have happened? He thought very alarmed. हैरान होते हुए वह सोचने लगा कि यह क्या हो रहा है, मेरे साथ क्या हो गया. He looked at the sky, high trees and then at the mountain of gold coins. He could not understand what had happened and his head felt as though it was split. अब वह महसूस कर रहा था कि कुछ गड़बड़ जरूर हुई है मेरे साथ. Meanwhile, Kencharo was thinking longingly for his magic slipper and wondered how to get it back. At last, he decided to go to his uncle's house. When he entered the garden, he was amazed to see a shimmering mountain of gold coin. अब वहाँ पर केंटारो सोच रहा है कि मैं अपने अंकल से वो कॉइन वापस कैसे लूँ. How to take back? वह थोड़ी देर बैठते हुए अपने अंकल के पास गया तो वहाँ गार्डन में हीप ऑफ गोल्ड देखते हुए वो बहुत हैरान हो गया. द मैजिक गेटअप वॉज लाइंग ऑन द ग्रास. और वो जो मैजिक स्लीपर था वो ग्रास पर पड़ा हुआ था. बट वेयर ओ वेयर वॉज इज अंकल. वह हैरान था कि उसके अंकल कहाँ चले गए ये सब छोड़कर यहाँ पर. ही कॉल्ड आउट अंकल अंकल एंड लुक्ड ऑल राउंड बट अंकल वॉज नो वेयर टू बी सीन. उसने बहुत आवाज़ लगाई लेकिन अंकल उसको नहीं दिखे. ओ हाउ नाउ आई अंडरस्टैंड थॉट किंचारो. अंकल मस्ट हैव टेकन आउट ऑल दीज गोल्ड कॉइन्स. ही मस्ट हैव बिकम स्मॉल एज अ मॉस्किटो. अब उसको समझ आ गया कि उसके अंकल ने खूब सारे गोल्ड कॉइन्स निकाल लिए होंगे और इसीलिए वह श्रिंक होकर मॉस्किटो के जैसे हो गए होंगे. दैट्स वाई आई कांट सी हिम. He started to search all over the garden, calling out to his uncle until he was house, but there was no sign of him. वह ढूंढता रहा अपने पूरी कोशिश से अंकल को लेकिन उसे अंकल नहीं मिले. Suddenly he thought he saw something very small crawling across the slipper. फिर उसने ध्यान से देखा कि स्लीपर के पास कुछ रेंगता हुआ उसको दिख रहा है, बहुत धीरे धीरे मुंह होता हुआ दिख रहा है. It looked like a mosquito, but it wasn't. It was uncle. वह बिल्कुल mosquito के जैसा लग रहा था लेकिन वह mosquito नहीं था. What was it? It was his uncle. What a dreadful thing. कितना बुरा हुआ. He could hardly believe his eyes. उसकी अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि सच में ऐसा कुछ हो गया है.
face screwed with up with rage. His tiny uncle was frantically pacing up and down the slipper. और उसके अंकल स्लीपर से ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, बट ही वॉज नॉट एबल एज हिज साइज हैज़ बिकम वेरी स्मॉल एंड ही कुड हार्डली मूव. वो चल भी नहीं पा रहे थे. केंचारो पुट हिज कार क्लोज टू द स्लीपर. वह अपनी कार को स्लीपर के पास लाया. द अंकल वॉज क्रीचिंग. उसके अंकल जोर जोर से चिल्ला रहे थे, बट उसकी आवाज़ बहुत कम थी क्योंकि उनका साइज छोटा हो गया था, तो उसके साथ वॉइस भी कम हो गई थी. सेज सेव मी, हेल्प मी, डू समथिंग. केंचारो फेल्ट वेरी सॉरी फॉर हिम, बट देयर वॉज नथिंग ही कुड डू. वह बहुत सॉरी फील कर रहा था कि वह अपने अंकल की मदद नहीं कर पा रहा था. अंकल्स ग्रीड हैड ब्रॉट हिम टू हिज सैड एंड. अब उसके अंकल की लालच ने उनको उनके सैड एंड तक पहुंचा दिया. इट मीन्स उनकी लाइफ ख़त्म हो गई, वो डेड हो गए थे, सर्वाइव नहीं कर पाए वो. केंचारो गैदर्ड ऑल द गोल्ड कॉइन्स. केंचारो ने क्या किया, पूरे गोल्ड कॉइन्स को इकट्ठा किया एंड पुट देम इनटू अ बैग. ही स्लैंग द बैग ओवर हिज शोल्डर. अपने कंधे पर लिया, शोल्डर पर लिया एंड पिक्ड अप हिज मैजिक स्लीपर एंड हर्रीड होम. और जल्दी से अपने घर पर चला गया. ही एंड हिज मदर वर नाउ वेरी रिच एंड लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर. अब क्या था, अंत में उसके माँ और वो बहुत खुशी खुशी अपने घर में रहने लगे और वह अब बहुत अमीर हो चुके थे. सो द मॉरल ऑफ दिस स्टोरी इज दैट वी शुड नॉट बी ग्रीडी. वी शुड हेल्प द पुअर्स ऑल्सो इन दिस लेसन.